हेलो दोस्तों, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डेज के बारे में, जो कि आपके हर एग्ज़ाम्स में आते हैं। यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम इसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इम्पोर्टेंट डेज, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20। सारे क्वेश्चंस के लिए एक्सप्लेनेशन हमने तैयार किए हैं। आइए हम पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड प्रेस डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 3 मई। इसका आंसर सही आंसर होगा 3 मई को। वर्ल्ड प्रेस इंडिपेंडेंस डे, जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, इस डे को, ये डे जो होता है प्रेस के लिए यानी मीडिया के लिए मनाया जाता है, और ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है। हर साल 3 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड प्रेस डे यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हर साल इसकी थीम अलग अलग होती है। इसकी मेज़बानी भी हर साल अलग अलग देशों को मिलती है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस दिवस या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया, ताकि प्रेस की आज़ादी के महत्व से दुनिया को आगाह कराया जाए। इसका एक और मकसद दुनिया भर की सरकारों को यह याद दिलाना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार की रक्षा और सम्मान करना इनका कर्तव्य है। लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उनको बहाल करने में मीडिया अहम भूमिका निभाता है, इसलिए सरकारों को पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। तो ये जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, उसके लिए हम ये डे मनाते हैं जो 3 मई को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, व्हेन इज इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड? तो इसका सही आंसर होगा 12 मई 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे। पूरी दुनिया भर में हर वर्ष 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2020 नर्स दिवस की थीम विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग है। यह नर्सों और जनता को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, When Youth Day celebrated? शायद आपको पता भी होगा यूथ डे के बारे में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। तो सही आंसर होगा इसका 12 जनवरी को हर साल युवा दिवस मनाया जाता है। महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के दिन ही हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन और विचार दोनों ही प्रेरणा के स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चलकर लाखों युवाओं के जीवन में बदलाव आया है, और विवेकानंद जी ने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका सही आंसर होगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल फैमिली डे। इसका सही आंसर होगा 15 मई। 15 मई को हर साल हम इंटरनेशनल फैमिली डे मनाते हैं। 15 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के रूप में मनाया जाता है।
परिवार की महत्ता, नए संकल्पों और उसके प्रति जागरूकता और चुनौतियों को रेखांकित करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 15 मई। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे, वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बी डे, तो इसका आंसर होगा 20 मई को हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो हर साल 20 मई को पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। मधुमक्खी और अन्य परागणकों जैसे तितलियां, चमगादड़ और हमिंगबर्ड का जीवन मानवीय गतिविधियों से खतरे में है। परागण कई खाद्य फसलों सहित कई पौधों के पुनरुत्पादन में सहायक होते हैं। यह दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जनसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी उनका जन्मदिन जो था वो 20 मई को होता है हर साल, तो उन्हीं के जन्मदिन के याद में हम 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। ध्यातव्य है कि स्लोवेनिया के बी कीपर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे 7 जुलाई 2017 को इटली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के 40वें सत्र में अनुमोदित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 20 मई। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाने के पीछे उद्देश्य है कि पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1972 ईस्वी में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई। यहाँ 1972 में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजन किया गया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। इसका सही आंसर होगा 8 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून को। अब अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। इसका सही आंसर होगा 22 मई को हर साल हम इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहते हैं। इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। हमारे जीवन में जैव विविधता का काफ़ी महत्व है। प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का महत्व देखते हुए जैव विविधता दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। नैरोबी में, केन्या की राजधानी नैरोबी में 29 दिसंबर 1992 को हुए जैव विविधता सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था, किंतु कई देशों द्वारा व्यावहारिक कठिनाइयां जाहिर करने के कारण इस दिन को 29 मई की बजाय 22 मई को मनाने का निर्णय लिया गया था। तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स डे।
तो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को। हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाने के पीछे हॉकी के लेजेंडर मेजर ध्यानचंद हैं, जिन्होंने हॉकी, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म आज ही के दिन 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद विश्व खेल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार हैं। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में हॉकी में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किए। मेजर ध्यानचंद को अपनी गेंद नियंत्रण की कला में महारत हासिल थी। हॉकी के लिए उनमें अद्वितीय क्षमताएं थीं। वे अपनी हॉकी स्टिक के खेल से खेल के मैदान में जैसे कोई जादू करते थे, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। इसके अलावा उन्हें हॉकी विजार्ड का टाइटल भी दिया गया था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। तो हर साल हम खेल दिवस किसकी याद में मनाते हैं? 29 अगस्त को इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाता है। 28 मई को हर साल हम वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 28 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भुखमरी से ग्रसित 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन 2011 के बाद से न केवल भुखमरी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, बल्कि स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भुखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसे सबसे पहले वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। इस साल भुखमरी की पूरी तरह से निपटने के लिए 10वें वार्षिक WHD को चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या विश्व में रहने वाले हर नागरिक के अधिकार दिवस को मनाया जाता है। दरअसल 1948 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र सामान्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों को अपनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1950 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर के दिन मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की थी। मानवाधिकार दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व के सभी लोग सुरक्षित महसूस कर सकें और भेदभाव रहित स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जी सकें। मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक व शिक्षा का भी अधिकार शामिल है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स है। इस थीम को कोविड-19 की महामारी से उत्पन्न हुई स्थिति की वजह से रखा गया है। यानी ये थीम है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ये 2020 की वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स की थीम है, जिसे हम 10 दिसंबर को मनाते हैं, जो भी हाल में ही मनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टबैको डे। हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। दुनिया भर में हर साल 31 मई को नो टबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन तंबाकू या इसके उत्पादकों को के उपभोग पर रोक लगाने या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों में
जागरूकता पैदा किया जाना है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के विषय में सचेत करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में तंबाकू की वजह से दुनिया भर में हर साल 70 लाख से ज़्यादा मौतें हो रही है। साल 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू के सेवन से होने वाले रोगों की वजह से मृत्यु दर में वृद्धि को देखते हुए इसे एक महामारी माना। इसके बाद पहली बार 7 अप्रैल 1988 को WHO की वर्षगांठ पर मनाया गया, और जिसके बाद हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो इसका सही आंसर होगा 31 मई। 31 मई को हर साल हम वर्ल्ड नो टबैको डे मनाते हैं, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे, ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है। ये हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के विभाग खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। पिछले साल विश्व दुग्ध दिवस में 72 देशों ने, जी हाँ, 72 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 1 जून यानी विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल इसी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद डेयरी या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता, आजीविक और आर्थिक विकास का योगदान है। दुनिया भर में दूध से पोषित हो रहे लोगों वो इससे चलते आने वाली आजीविका के कारण इस दिन को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना है। तो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है हर 1 जून को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? जुलाई 11 को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जून को मनाया जाता है। यह हर साल 11 जुलाई को बढ़ती जनसंख्या और लिंग समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकार इत्यादि जैसे मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को। 8 जून को हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। विश्व के महत्व और उसकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस खास दिवस का मुख्य उद्देश्य महासागर के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। विश्व महासागर दिवस के खास मौके पर लोग समुद्र तट की सफाई और इससे जुड़े अन्य आयोजनों में भाग लेते हैं। इस खास दिवस पर समुद्र जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां जैसे अपतटीय तेल ड्रिलिंग और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कई जगह मार्च भी निकाले जाते हैं। समुद्र अधिकांश ऑक्सीजन, भोजन और हवा प्रदान करते हैं और हमारी जलवायु को स्थिर रखने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र वेल मछली और अन्य जीवों जैसे अद्भुत जानवरों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए घर भी है, जो पृथ्वी को रहने लायक शानदार जगह बनाते हैं। लेकिन मानवीय घटनाओं के वजह से समुद्री वातावरण को खतरों का सामना करना आज भी पड़ रहा है। इसलिए हम वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं, जो कि हर 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड डोनर डे कब मनाया जाता है? 14 जून को हर साल वर्ल्ड डोनर डे सेलिब्रेट करते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड डोनर डे हर साल 14 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। काल
कार्ल लैंडिसनर की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 2004 में रक्त की कमी को पूरा करने और रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया गया था। इस दिन ब्लड डोनर्स रक्तदान करते हैं ताकि दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाई जा सके या जिन्हें सर्जरी के लिए रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है उनके लिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इसका सही आंसर 14 जून होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का मनाया जाता है यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यह दुनिया भर में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल 20 जून को मनाया जाता है। यह दिवस शरणार्थियों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने और उनकी समस्याओं को हल करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। शरणार्थी उन्हें कहा जाता है जिन्हें युद्ध, प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की वजह से अपना देश छोड़कर अन्यत्र पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है। दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका शरणार्थी दिवस यानी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था और वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाता है। दिसंबर 2000 से ही संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका शरणार्थी दिवस यानी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस को मनाने का निर्णय लिया था। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी UNHCR शरणार्थियों की सहायता करने के लिए ही बनी है। नेक्स्ट डे है विश्व योग दिवस, यानी ये पता होगा आपको, जो कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में दिया गया था। इंटरनेशनल योगा डे जो हर साल पता होगा 21 जून को मनाया जाता है। लोगों की ज़िंदगी में योग का खास महत्व है और बीते हुए कुछ सालों में दुनिया भर में इसे अपनाने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। योग दिवस को 21 जून को मनाने के कई खास कारण हैं। पहला यह कि 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और इस दिन ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणांत होता है, यानी इस दिन सूर्य का उदय जल्दी होता है और वह देर से ढलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत आज से 6 साल पहले 2015 में हुई थी, यानी साल 2020 में छठवां योग दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता प्रदान की थी। हर साल योग दिवस को एक थीम दी जाती है। इसी कड़ी में इस साल कोरोना वायरस महामारी के चलते लोगों के सेहत और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम घर में रहकर परिवार के साथ योग करना है। घर में रहकर परिवार के साथ योग करना है, ये 2020 की थीम है। तो इसका सही आंसर होगा 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल स्टैटिक डे यानी विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 29 जून को हर साल विश्व राष्ट्रीय सांख्यिकी डे यानी नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। दरअसल 29 जून को प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत जैन महालन बोइस का जन्मदिन है, जिन्होंने सांख्यिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए 2007 में उनकी जन्मतिथि के अवसर पर हर वर्ष 29 जून का दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। तो इसका नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है? 29 जून को। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है यानी
इंटरनेशनल विडो डे, इंटरनेशनल विडो डे। इसका सही आंसर होगा 23 जून। सही आंसर होगा 23 जून को हर साल इंटरनेशनल विडो डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व में मौजूद सभी विधवाओं को समाज के मुख्य धारा में लाने हेतु संयुक्त राष्ट्र आम सभा यानी यूएनजीए ने 23 जून 2011 को पहला अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाने की घोषणा की। वर्ष 2011 से अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस विश्व के इस शोषित वर्ग के उत्थान के लिए मनाया जा रहा है। यह दिवस विधवा महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस विधवाओं की स्थिति पर प्रकाश डालता है, जिससे पता चलता है कि उन्हें समाज में किस प्रकार की उपेक्षाएं एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर नागरिक समाज संगठन भी समाज के इस उपेक्षित वर्ग की अनदेखी करते हैं। आमतौर पर विधवाओं को समाज से बहिष्कार जैसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। विधवाओं एवं उनके बच्चों के साथ किए जाने वाला दुर्व्यवहार मानव अधिकारों की श्रेणी में गंभीर उल्लेखनीय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड म्यूजिक डे। हर साल 21 जून को विश्व संगीत डे मनाया जाता है, यानी विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे। साल 1976 में अमेरिका के मशहूर संगीतकार जोएल कोहेन ने फ्रांस में संगीत पर आधारित एक जलसे का आयोजन किया था, जिसके बाद हर साल 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। खास बात यह है, यह जलसा दुनिया के एक दो नहीं बल्कि 32 से अधिक देशों में आयोजित किया जाता है। यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है 21 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले एनटीपीसी के लिए, और अभी तो आपको फर्स्ट फेज चल रहा है, फर्स्ट फेज वालों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले सेकेंड और थर्ड तीन फेज में होंगे, तो तीनों फेज के लिए होगा। और ये पार्ट वन है, इसके बाद आएगा पार्ट टू, जो हम पार्ट टू बनाएंगे इसके बाद, उसमें भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे। तो सारे क्वेश्चन तो आप एक डिटेल से एक बार वीडियो को थ्रू आउट देख लीजिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, डे से क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए दीज आर द इम्पोर्टेंट्स। तो थैंक यू गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।